आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं चैप्टर वन के, जो कि हमने सी के कॉन्सेप्ट्स अभी तक उन सबको अप्लाई किया जाएगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। लेट्स मूव टू चैप्टर वन प्रैक्टिस सेट नाउ। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। तो मैंने चैप्टर वन का एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, जिसमें आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े उनके उनकी प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से रैपल बनाएंगे प्रैक्टिस सेट की। ये इतना जूम इन क्यों हो गया, इसको रिसेट करके मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और एक नई रैपल बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर नोट जेएस सेट करके मैं लिखूँगा 05 अंडरस्कोर, क्योंकि ये फिफ्थ वीडियो है तो मैं वीडियो के हिसाब से नंबर डाल रहा हूँ जिस बता रहा हूँ आप लोगों को, 05 अंडरस्कोर। और मैं यहाँ पर लिखूँगा चैप्टर वन प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो क्रिएट रैपल पर क्लिक करूँगा और बन जाती है रैपल बहुत जल्दी, बढ़िया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पहला सवाल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड ट्राई टू ऐड अ नंबर टू इट। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार बहुत आसान जा रहा है कोर्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिक। अभी आना तुम लोग, आना अभी कुछ 10 वीडियो बीतने दो फिर आना। फिर यही लोग कमेंट करके बोलेंगे कि बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कोर्स का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, समझे हो। जयेश ने कमेंट किया हुआ है, एक 50 रुपये काटो ओवर एक्टिंग के। हाँ भाई काट लो यार, तुम लोग जितने दिल चाहे काट लो, मैं क्या करूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर चैप्टर वन, क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड ट्राई टू ऐड अ नंबर टू इट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा चैप्टर वन, और यहाँ पर मैं Q1 लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वन, तो पहला क्वेश्चन है कि एक वेरिएबल बनाना है टाइप स्ट्रिंग का और उसमें एक नंबर ऐड करने की कोशिश करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं लेट का इस्तेमाल करूंगा, और लेट का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया है। अब मैं लेट बी इज इक्वल टू 6 लिखूंगा और मैं कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी कर दूंगा, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि यार मैं कोई ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने अभी तक बताई नहीं है। तो देखो क्या होता है कि जब स्ट्रिंग में आप दो चीज़ों को ऐड करते हो तो कॉन्कैटिनेट हो जाती है वो चीज़, ठीक है। हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, कौन से ऑपरेटर्स कैसे क्यों कब किस तरह से काम करते हैं। लोड मत लेना, ठीक है, एकदम पीस मारो अभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके पहले वाले क्वेश्चन का डेटा टाइप जो है वो पता करो। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लेबल कर दूंगा क्वेश्चन नंबर टू को, ठीक है। देखो जावास्क्रिप्ट ऐसे ही सिखा दूंगा ना आप लोगों को, आप भी कहोगे कि यार, मतलब लोग आपसे पूछेंगे, आकर आपसे कहेंगे बचपन से हो या फिर आपने कोर्स किया है, आप लोग कहोगे मैंने कोर्स किया है, अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स किया है, ठीक है। तो इतनी बढ़िया आपकी जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, तो लोग पूछेंगे आपसे कि भाई इतनी अच्छी जावास्क्रिप्ट आप कैसे लिख पा रहे हो। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मैं लिख दूंगा टाइप ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। और जब मैं ए प्लस बी का टाइप ऑफ लिखूंगा तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग 6 आ रहा है, लेकिन ये चीज़ प्रिंट क्यों नहीं हुई, हैरी 6 हो गया। टाइप ऑफ ए प्लस बी मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देखो अभी जो मेरा आउटपुट है वो स्ट्रिंग आ रहा है, पहले स्ट्रिंग 6 इसलिए आ रहा था क्योंकि वो टाइप ऑफ ए को पहले एवेल्यूएट कर रहा था फिर उसमें बी जोड़ दे रहा था, तो स्ट्रिंग प्लस बी स्ट्रिंग 6 हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे तो बिल्कुल भी मत होना यार, क्योंकि अभी हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्रिएट अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, कैन यू चेंज इट टू होल्ड अ नंबर लेटर। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम हैरी। बाय द वे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डबल कोट के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, आप मतलब आप डाल भी सकते हो इसको डबल कोट में, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पर लिखना चाहते हो सेक्शन, और मान लो 1 लिख दिया आपने, और मान लो आप यहाँ पर लिखना चाहते हो कि भाई स्टूडेंट्स कौन कौन से। खैर मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ बस, ठीक है, मैं इस प्रिंसिपल फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन भी लेबल कर देता हूँ यार कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पर ए इज इक्वल टू, ये मैंने ऐसे किया हुआ है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ए इज इक्वल टू मान लो हैरी, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मुझे सिंटेक्स एरर देखने को मिल रहा है, मैं नहीं कर सकता इसको चेंज टू होल्ड ए स्ट्रिंग लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिलेगा, कैन यू चेंज टू होल्ड ए नंबर लेटर, मैंने स्ट्रिंग कर दिया, नंबर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, बात वही है, नंबर में भी आपको एरर देखने को मिलेगा, बोलेगा आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक है, तो नहीं कर सकते। इसके बाद अगला सवाल है ट्राई टू ऐड अ न्यू की टू द कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन प्रॉब्लम 3, वर यू एबल टू डू इट। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, अब आप देखना यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर लिखूंगा ए, और मैं यहाँ पर लिखूंगा
मान लो नेम टू, या फिर मैं काम करता हूँ फ्रेंड, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट अस से शुभम, ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा तो मुझे एरर देखने को, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मैंने यहाँ पर लिखा, ये क्या हो रहा है, मैंने सेव नहीं किया क्या रैपल, सेव तो कर दी मैंने रैपल, ओके। तो एक्चुअली ये जो कॉन्स्ट ए है ना, मुझे इसको ए वन करना पड़ेगा यार, मैंने मैंने गलती कर दी। तो मैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको दोबारा से सॉल्व करूँगा यार। मैं ए वन इज इक्वल टू 45 कर सकता था क्या? मैं नहीं कर सकता हूँ, देखो ए वन इज इक्वल टू मैं 45 करूँगा तो यहाँ पर ये बोलेगा असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, आप नहीं कर सकते असाइन, ठीक है, तो नहीं कर सकता मैं नंबर, इसको होल्ड नहीं करवा सकता। लेकिन अब आप देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जवाब यह है कि ये एरर मिलेगा, जो पहले एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने ए यहाँ भी यूज़ कर लिया और यहाँ भी यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं अगर यहाँ पर ए वन फ्रेंड इज इक्वल टू शुभम लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो आप देखो यहाँ पर एरर नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट बनाते हैं तो कॉन्स्टेंट ए वन जो है वो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो कि मेमोरी में रिजर्व हो चुका है, ठीक है, तो ए वन एक रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब इस रेफरेंस के अंदर की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कीज़ ऐड की जा सकती हैं, इसके अंदर किसी भी की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए वन के अंदर फ्रेंड ऐड कर दिया, ज़रा आपको कंसोल लॉक करके दिखाता हूँ ए वन को, और मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर फ्रेंड एक ऐड हो गया शुभम। क्या मैं नेम को चेंज कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर इसको रेप्लिकेट करता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। एक बहुत बढ़िया बात मुझे रेप्लिकेट की ये भी लगती है कि यार इसमें क्या होता है ना कि आप वी एस कोड के सारे शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं नेम इज इक्वल टू लविश करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखना कि यहाँ पर नेम लविश आ जाएगा, सेक्शन 1 इस प्रिंसिपल फॉल्स फ्रेंड शुभम। लेकिन एवन एक कांस्टेंट है तब भी हम ये कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को अभी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एवन है वो एक रेफरेंस है टू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एवन के अंदर आप एक नंबर स्टोर नहीं करा सकते, एवन के अंदर आप एक स्ट्रिंग स्टोर नहीं करा सकते, एवन के अंदर आप कुछ और स्टोर नहीं करा सकते, एवन के अंदर आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाकर भी स्टोर नहीं करा सकते। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर आप ये करने की भी कोशिश करोगे ना, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी करने की कोशिश करोगे, एरर देखने को मिलेगा आपको, वो बोलेगा कि भाई आप नहीं कर सकते ये चीज़। अगर मैं ये हटा भी दूँ ना ए वन इज इक्वल टू 45 और उसके बाद ए वन इज इक्वल टू ब्लैंक करने की कोशिश करूँ, आप देखो यहाँ पर एक एरर देखने को मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर ए वन को असाइन नहीं करा सकता क्योंकि ए वन ऑलरेडी इसका रेफरेंस है और ये इसी का रेफरेंस जो है बनकर रहेगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो ए वन को कोई मतलब नहीं है, ए वन ने इसके साथ बंधन बांध लिया है, ठीक है, ए वन इज इन रिलेशनशिप विद दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ समझ रहे हो, ठीक है। तो ए वन जो है, ए वन और ये जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों रिलेशनशिप में है। अब अगर ये बदल जाता है ऑब्जेक्ट उसके बाद भी ए वन इतना अच्छा है कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, कह रहा है यार तुम बदल जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे समझ लो, याद कर लो यार, इतना सोचो मत, दिल पे मतलब चीज़ों को। ए वन इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि ए वन इस ऑब्जेक्ट के लिए एक रेफरेंस है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो जाता है तो ए वन को उससे कोई मतलब नहीं है, है तो वही ऑब्जेक्ट ना, बस उतना काफ़ी है ए वन के लिए। अगर ए वन इज इक्वल टू, ए वन को कुछ और पकड़ा दो, ए वन इज इक्वल टू एक नया ऑब्जेक्ट पकड़ा दो, तब वो बोलेगा भाई मैं एक कॉन्स्टेंट हूँ, मैंने जो है सिर्फ इसके साथ अपना रिश्ते नाते जोड़े हैं और मैं इसके अलावा किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं बांधना चाहता, ये एवन बोलेगा आपको। ऐसा लग रहा है एवन कोई इंसान है और आकर बात कर रहा है, लेकिन समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को, मुझे बताओ यार कमेंट में, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, कौन सी प्रॉब्लम थी यार, चैप्टर 1 क्वेश्चन 4 था क्या ये, ट्राई टू ऐड अ न्यू की टू द कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट इन प्रॉब्लम 3, तो हमने नई की भी ऐड करके देखी, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, राइट अ जेएस प्रोग्राम टू क्रिएट अ वर्ड मीनिंग डिक्शनरी ऑफ 5 वर्ड्स, बहुत सिंपल है, 5वां सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग डिक्शनरी यहाँ पर हमें बनानी है, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्टिक्ट इज इक्वल टू, क्यों लिख रहा हूँ कॉन्स्ट, मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम कोशिश करेंगे कॉन्स्ट लिखने की, ठीक है। तो मैंने लिखा कॉन्स्टिक्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर मैं यार खोल लेता हूँ डिक्शनरी, कौन सोचेगा इतने वर्ड्स, dictionary.com, सर्च फॉर अ वर्ड, अप्रिशिएट, हाँ ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, यही ज़िंदगी है, इसी को ज़िंदगी इसी का नाम है, कोडर की ज़िंदगी इसी का नाम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाऊँ, आप भी कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, टाइम ख़राब, ठीक है। तो बस दो तीन तीन वर्ड्स, कितने वर्ड्स की डिक्शनरी बनानी है, 5 की बनानी है, 3 ऐड करूँगा, 2 आप ऐड कर लेना खुद से, वर्ड ऑफ द डे देखें क्या है,
वर्ड ऑफ द डे, ये कैसे कैसे वर्ड्स हैं यार ये, मतलब किसी ने अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो मैं तो जो है उन लोगों से बात ही ना कर पाऊँ। अटाराक्षिया, अटाराक्षिया किसी से कहो जाकर, और देखो स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इमोशनल डिस्टरबेंस एंड एंग्जाइटी। यार मैं तो यार अटाराक्षिया में हूँ यार, अपने सारे दोस्त जो कि इंग्लिश झाड़ते हैं बहुत ज़्यादा उनको ये वर्ड सुनाऊंगा। ग्नोमोन, द रेस पार्ट ऑफ अस सन डायल दैट कास्ट द शेडो। ओके, यक्का, हार्ड वर्क, यक्का करो तुम सब लोग, यक्का समझे, बहुत मस्ती मार ली तुम लोगों ने जिंदगी में, यक्का करो यक्का, वर्क स्पेशली हार्ड वर्क, यक्का करूंगा मैं भी यार, यक्का यक्का करो, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो अब हम ना यहाँ पर लुकअप कर सकते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग डिक्ट डॉट यक्का। अब मैं आपको एक सिंटेक्स और बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर डिक्ट डॉट यक्का लिखूँ तो वर्क स्पेशली हार्ड वर्क प्रिंट हो जाएगा, देखना भी आप, वर्क स्पेशली हार्ड वर्क। तो मैं डॉट से भी एक्सेस कर सकता हूँ और ये वाले सिंटेक्स से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो दो तरह के सिंटेक्स से एक्सेस किया जा सकता है, ना डिक्ट डॉट यक्का लिख दूँ या डिक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यक्का लिख दूँ स्ट्रिंग बना के, दोनों से एक ही चीज़ होगी। ठीक है, सो आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हुई, आप लोग को मज़ा आया, और आने वाले वीडियोस में तो यार हम लोग बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू रेज द बार, रेज द बार, रेज द बार। मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो है और एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप लोग को एडवांस चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। और वाइस सिटी के अंदर पहला मिशन थोड़ा सिंपल होता है, फिर उसके बाद आरसी हेलीकॉप्टर वाला मिशन आता है, कोई भी गेम में कोई भी मिशन आता है अगर, तो बाद में खतरनाक वाले मिशन आते हैं, तो खतरनाक वाले मिशन भी आएंगे, अभी सिंपल वाले खेल लो पहले। ठीक है, और अगर ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है कर लेना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू। समझ रहे हो?